और अभी घर में कैसी बात हो गई कि मेरे को ना बड़ी चिंता हो गई अपने फ्यूचर को लेके, अपने कैरियर को लेके। मेरा दिमाग अभी इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है बिकॉज मैं यहाँ पे बैठा रहा, इतनी देर में अभी सर का मैसेज आ गया टुडे विल बी हॉलीडे, कोचिंग की हो गई है छुट्टी। मेरा दिमाग गया है सटक, तो अब क्या करें जाए हैं। तो मैं चलो फिलहाल तुम्हारे घर उतार देते हैं गुनगुन को, कोचिंग से घर छोड़ देते हैं चल के यार। तो भाई फाइनली इनको इनकी कोचिंग से ले आए हैं, और जब हमारे साथ आती हैं तो इनको कुछ खाने को चाहिए होता है बिकॉज खाली पेट तो ये बाइक पे बैठ नहीं पाएंगी, इनसे इनका शरीर ही नहीं संभलता है खाली, और जब भर जाता है तब आराम से मतलब ऐसे बैठी रहती है। यहाँ पे फिजिक्स गाइड्स काम करती है जो कि हमें आती नहीं है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। हाँ तो भाई फाइनली गुनगुन को लेकर घर आ चुके हैं, जैसे घर आए हमें आदेश दिया गया है जाओ शक्कर की बोरी ले और तेल का पीपा ले, बिकॉज खत्म हो गया है। तो हम और बासु आदा जा रहे हैं लेने के लिए। आदेश के क्या है, पालन करते हैं। पालन करते हैं, चिराग लेके ढूंढोगे तब भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। चलेंगे अपनी फटफटिया पे, चलो बासु दादा। तो ये रहा ग्रोडाउन जहाँ मिलेगी हमें शक्कर, बोरी उठाते हैं चलते हैं, फिर तेल का पीपा भी लेना है। शक्कर की बोरी आ गई हमारी DSCL की, जो कि पड़ रही है इस समय 1910 रुपए की। तो शक्कर की बोरी हमने बाइक पे रख ली है, और मैं जैसे बैठा हूँ वो मैं ही जानता हूँ, बिल्कुल जगह नहीं है। तो अब जा रहे हैं तेल का पीपा लेने के लिए, वो जब ले लेंगे फिर शायद ऑटो पे रख दे सब सामान, क्योंकि बाइक पे तो जा नहीं पाएगा लिटरली। मैं देखो इतनी सी जगह में बैठा हूँ, मतलब पीछे जगह है ही नहीं। देखो मैं बाइक पे ही लाऊंगा। क्या बाइक पे ले जाओगे पीपा, फैल जाएंगे और ज्यादा थोड़ा नहीं होगा कुछ। तो ये रहा अपना तेल का टीपा जो कि, अरे यार गिरेगी तो ऐसे एकदम से बाइक खड़ी कर लेते। यार फाइनली तेल का भी टीपा ले लिया है, और ये भी शक्कर भी ले लिया, और हम ना सारा सामान बाइक पे रख के लिए जा रहे हैं। ऑटो की जरूरत ही नहीं पड़ी, आराम से ले जाएंगे। और पता है यहाँ से घर ज्यादा दूर है भी नहीं, पास ही में घर है, और ऑटो वाला भाई साहब 50 रुपए ले लेता था, तो 50 रुपए सेव हुए गाइस, बाइक पे सब चला जाएगा। ये पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं आज। सो हे गाइस, टुडे इज नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैं आज आराम से सो रहा था, मतलब बहुत गहरी नींद में सो रहा था, और कोई सब्सक्राइबर पता नहीं मिलने के लिए आया। तो देखते हैं कौन आया, कपड़े वपड़े पहनते हैं, मिलते हैं, कहो आ गए। ये उठ भी गए, पता नहीं क्यों जितनी ज़्यादा नींद आ रही थी, और कितना गंदा जंगली लग रहा हूँ। बस सावन ख़त्म ही होने वाला है 11 तारीख को, फिर बाल कटाएंगे अपने बाल और दाढ़ी। तो दो सब्सक्राइबर्स आए थे फ़ोटो लेने के लिए, तो फ़ोटो ले ली, चले गए। बाकी यहाँ घर में ना जाने क्यों साफ सफाई की हो रही है, सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है। ये बेड पे देखो क्या हालत हो रखी है, मम्मी साफ सफाई कर रही है। मम्मी साफ सफाई क्यों कर रही, रक्षाबंधन है, साफ सफाई हो रही। चलो बढ़िया है, करो साफ सफाई, हम भी नहाते धोते हैं चल के। मैं बस अभी नहा धो के आया हूँ, और जरा ये चेक करें, मतलब कि ज़्यादा बादल भी नहीं है पर पानी बहुत ज़ोरों का बरस रहा है, मस्त पानी बरस रहा है। देखो हमारे कपड़े सूख रहे हैं बरसते हुए पानी में, वाह। फाइनली बरसात हो चुकी है बंद, हम आ चुके हैं किचन गार्डन में, साथ में सक्षम भैया भी हैं यहाँ पे टहल रहे हैं। जिंदगी ऐसी हो गई है, घर, किचन गार्डन, कोचिंग, स्कूल, बस इन्हीं मतलब कि चार जगहों में आजकल बीतती है। या तो बस घर पे रहेंगे दिन भर, या तो कोचिंग, स्कूल, किचन गार्डन, यही करो, और कहीं ट्रैवलिंग वेवलिंग हो ही नहीं पाई। अब की बार प्लान बहुत सारे थे बट इतनी सारी दिक्कतें आती रहीं, ट्रैवलिंग हो नहीं पाई है, कुछ नहीं हो रहा। नाना जी आए टहलने, पूछ रहे क्या हो रहा। बाकी यार अब ट्रैवलिंग तो हमें मुश्किल ही लग रही है बिकॉज 12th सबसे बड़ी दिक्कत 12th है, और स्कूल वालों ने ये भी बता रखा है कि एग्जाम होंगे सितंबर या अक्टूबर में, अभी डेट नहीं बताई है, डेट जल्दी बता देंगे देखो 5-10 दिन के अंदर। तो एग्जाम के लिए जोरों शोरों से तैयारी शैयारी शुरू करनी होगी। और बाकी सक्षम तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल चाल, तुम्हारे एग्जाम होंगे नहीं होंगे? अब भगवान जाने। क्या भगवान जाने, एग्जाम तो होंगे ही, कुछ तैयार हुआ? नहीं। चालू किया कुछ तैयारी? नहीं अभी कहाँ चालू किया, घर मतलब ये देख रहे हैं आप, एटीट्यूड देख रहे हैं आप, इसी एटीट्यूड में बात करनी चाहिए। नहीं अभी कुछ नहीं, अभी कहाँ चालू किया था यार, यही एटीट्यूड यही हमें भी चाहिए गाइस थोड़ा सा बस इसका। बाकी यार पानी आज भी मस्त बरसा था, तो पूरा किचन गार्डन में समझ लो पानी भर गया है, पेड़ों को बहुत ही अच्छी खासी बूस्ट मिल चुकी है, अच्छे से सारे पेड़ चल रहे हैं। ये बैंगन और मिर्च की जो लेके आए थे ना पेड़, हम ये भी सारे लगाए थे मामा ने, तो ये सारे के सारे चल गए बिकॉज मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और इधर अपना बेलपत्र का पेड़ लगा था वो भी चल गया है, अभी छोटा है बड़ा नहीं रहा, धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा ये भी। आज हमने एक चीज देखी जिसे देख के दिल थोड़ा सा मेरा खुश हो गया, ये जो आम के पेड़ हमने लगाए थे ना इसमें से एक देखो, एक और जो है अंकुरित होके निकल आया है, इसकी तो पत्तियां सूखने लगी, ना जाने क्यों सूख रही, शायद ये इसमें लगा इसी वजह से सूख रही है, बाकी एक निकल आया, धीरे धीरे करके सारी निकल आएंगी। और शायद ये जो गुठली है ये देखो भाई साहब, ये गुठली भी खुल रही है, तो इसमें से भी अब जल्दी निकल आएगा, और ये वाली गुठली भी खुलाई भाई, ये देखो इसमें से भी हरा हरा होकर निकल रहा है, तो ये भी निकलेगा।
हाँ अब सारे जो हैं जल्द से जल्द निकल आएंगे भाई फाइनली। और आपको याद होगा मैंने बोला था कि कुछ समय के अंदर जो है हमारे यहाँ बहुत सारे आम के पेड़ आ जाएंगे। तो देखो ये यहाँ पे कितने सारे आम के पेड़ उगाए, ये आम का पेड़ उगाया, वो उगाया, ये उगाया, यहाँ पर ये उगाया, मतलब सारी गुटलियां हम लोग यहीं फेंक देते थे ना, तो यहाँ पे इतने सारे आम के पेड़, मतलब बिना कुछ करे हुए उसके लिए इतनी मेहनत करी, अब जाके कहीं धीरे धीरे उग रहे हैं और यहाँ पे इतने सारे आम के पेड़ निकले हुए हैं भाई साहब। और मैंने अभी एक ऐसी चीज देखी जिसे देख के मेरे को अजीब लग रहा है और मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये चेक करें आप भाई साहब, कितनी सारी स्नेल्स हैं, देखो धीरे धीरे चल रही हैं, सबके ऊपर उनका खोल लगा हुआ है, मतलब भाई अनगिनत स्नेल हैं भाई यहाँ पे इस समय। चलो भैया यहाँ से चलते हैं वरना ये चिपक चिपक जाती हैं, बड़ा अजीब लगता है यार। हम यहाँ पे आके बैठ गए थे, हमारे पीछे ये भी आके बैठ गई। क्या बात भाई, नींद लगी है? हाँ बहुत प्यार करती है यार मेरे को, हाँ मतलब जता नहीं पाती है प्यार, और कुत्ते होते उछलने कूदने लगते पर ये वो सब नहीं करती, लेकिन हाँ प्यार बहुत करती है मेरे को, है ना, है ना, है ना, है ना। हाँ देखो तो बॉयज हम आए थे किशन गार्डन से अंदर और तब से हम एक काम कर रहे हैं बहुत ही जरूरी। एक्चुअली आपने देखा होगा यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल पड़ी हुई थी, तो यहाँ पे ना ऊपर से पानी आता था तो सारी के सारी मेज हमारी खराब हो रही थी, नई नई मिली और यहाँ पे कोई काम नहीं था, बस पड़ी ही रहती थी। तो हम ना उसे ऊपर पहुँचा रहे हैं, लेकिन पहुँचाने में बड़ी दिक्कत आ रही बिकॉज यहाँ वाले जीने से भी नहीं जा रही थी, छोटा गेट है, आगे वाले से यहाँ से भी नहीं जा रही थी, जाल से भी नहीं जा सकती। तो उसको ना हम पूरा यहाँ से लेते हुए पीछे से लेते हुए गए और फिर आगे लेके आए। अब आगे रखी हुई है वो मेज, इसमें बांधेंगे रस्सी और फिर इसको ऊपर से जाके खींचेंगे तब ये ऊपर पहुँच पाएगी। उसको यहाँ तक लाने में हमारी सक्षम की हालत खराब हो गई और इसके ऊपर जो शीशा पड़ा था ना वो इस मेज से भी भारी है, उसको इसके ऊपर से हटाया था ना मतलब बिल्कुल दम निकली जा रही थी, इतना भारी वो शीशा था, मेज तक उससे हल्की है। मामा अभी रस्सी ऐसी ढूंढने गए, जब रस्सी ढूंढ लेंगे इसमें बांधेंगे रस्सी और फिर इसको यहाँ से उठाएंगे सीधे ऊपर के लिए। तो भाई बड़ी मुश्किल से जो है हमने जैसे तैसे करके ऊपर पहुंचा दिया और लास्ट टाइम पे साड़ी खुल गई, मतलब जिससे हमने से बांधा था, तो ऊपर से क्या देखते हैं। तो यार इसको जैसे तैसे करके ऊपर तो खींच लिया गया, बस थोड़े बहुत स्क्रैच आ गए हैं वो तो आएंगे बट वो ज्यादा मायने नहीं देता बिकॉज ऐसे तो पूरी की पूरी खराब हो जाती। इसके ऊपर वैसे भी शीशा ही रख देंगे चल के, अब बस इसे अंदर तक पहुंचाना है भाई, हालत खराब हो गई इसको उठा के लाने में। पहुंच गए अंदर मेज, अब बस ये तीन कुर्सियां और सबसे भारी है शीशा उठा के पहुंचाना है जिसमें लंका लग गई थी। तो फाइनली भैया मेज और इसकी सारी कुर्सियां ऊपर पहुंचा दी, हालत खराब हो गई। अब मेरे को थोड़ी में बस निकलना है कोचिंग के लिए, मुंह धुलते हैं निकलते हैं, पूरी शर्ट बिक चुकी है पसीने से, पूरे हाथ आज जो है बिक चुके हैं, जल्दी से चलो तैयार होते हैं निकलते हैं ट्यूशन के लिए। आज मैं बाइक नहीं ले जाऊंगा ट्यूशन बिकॉज पानी बरसा है ना, बहुत ही ज्यादा कीचड़ हो रखा है, अभी धुलवा रखी है भाई, गंदी हो जाएगी। तो ऑटो से जाएंगे आज, बड़े दिन बाद ऑटो से जाएंगे, करीबन 3-4 महीने बाद तो मैं ऑटो में बैठने जा रहा हूँ, तो ऑटो में जाना ही बंद कर दिया था, तो आज ऑटो से चलेंगे। फिलहाल ये अपनी यहाँ पे पहुँच गई, अच्छा है अब ये हमारी स्टडी टेबल बन जाएगी, यहाँ पे पढ़ा करेंगे। नीचे जब रखी थी इस पे वैसे भी कोई खाना तो खाता नहीं था, सब लोग अलग अलग खाते रहते थे, तो ये अब हमारे पढ़ाई के काम आएगी गाइस। तो भाई फाइनली हम निकल रहे हैं अपनी कोचिंग के लिए ऑटो से, और अभी घर में एक ऐसी बात हो गई कि मेरे को ना बड़ी चिंता हो गई अपने फ्यूचर को लेके, अपने कैरियर को लेके, मतलब 12th के बाद हर लड़के को होने लगती है, मतलब लड़कों को तो हमेशा होती रहती है कि अब आगे चल के कैसे क्या होगा, पूरी फैमिली कैसे चलेगी। तो अब वही वाली सिचुएशन जो है आ चुकी है समझ लो बस, क्योंकि 12th के बाद ही कुछ सोचना पड़ता है आगे क्या करना है क्या करना है। तो आज कल लिटरली मेरे को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इस वजह से मैं ज़्यादा व्लॉग भी नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी मैं कोचिंग चलता हूँ, मन में तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको बतानी है, लेकिन व्लॉग जो है छोटा पड़ जाएगा अगर मैं बताने को बैठ गया, इसीलिए कोचिंग चलते हैं। बस ऐसे समझ लो इस समय ना मतलब बड़ी अजीब टाइप की सिचुएशन हो रखी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे करना क्या है कैसे क्या है। YouTube तो है ही मेरा मतलब कि फुल टाइम वाला, बट तब भी यार कुछ तो करना है ना, YouTube से वो अगर आप तुम अपनी पूरी फैमिली चला लो तो यार वो नहीं होती है, अभी के हिसाब से तो ऐसा नहीं है, मतलब कि हाँ जब आपके पास अच्छी खासी ऑडियंस होती है तो आपके साथ पुस्ते बैठ के खा सकती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो फ्यूचर में होना चाहिए। टाइम हो गया नाना, 5 बजने जा रहा है। और बाकी जो मेरे ग्रुप के लड़के लड़कियाँ जो भी व्लॉग देख रहे हैं, बस हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि तुम ना अपना फ्यूचर का एम जो है अपने साथ अभी से लेके चलो, है? अरे 5 बजने जा रहा, 4:56 हुआ है ना, तो व्लॉग ही नहीं शूट करने दे रहे भाई साहब। तो यार बस यही कहेंगे अपना जो फ्यूचर का है डिसाइड करके चलो। मैंने भी बहुत सारी चीजें डिसाइड करी थी बट समय के साथ हर चीज बदलती रहती है, जैसे मेरे बहुत सारे एम थे बट वो कुछ नहीं रहा, अब तो मेरा बस एक ही एम मतलब कि कंटेंट क्रिएशन, लेकिन कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ कुछ एक डिग्री जिसे बोलते हैं ना, मतलब डिग्री वैसे मैटर नहीं करती मेरे लिए, मैं सच बताऊं मुझे नौकरी वोकरी किसी चीज का शौक नहीं है,
बट तब भी यार कुछ तो करना ही होगा ना, तो बस वही सब टेंशन इस समय चल रही है। बाकी बातें अब हम क्या करें, मेरे दिमाग में यही सब चल रहा है कुछ दिनों से। बाकी चलो चलते हैं कोचिंग यार। सामान बांध सोचा नहीं दो बार इन शहरों की गिरफ्त से भगा मैं, एक गहरी सांस लेके सब भूला भाई जादू सा है कुछ हवा में। झंझट से दूर हूँ, पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज, जो करो जो करना नहीं डरना कुछ, अभी भी सोचे क्या सोचे की दुनिया। मैंने दो या जाना मुझे घर नहीं, इनको विचारों की है जड़ वही, ये जो चमकी तारे मेरे पे पूरी रात प्रकृति साथ है, वो जो गरीब पास नहीं हम गरीब पास नहीं फिर भी जी चारी ए। अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है। फाइनली ट्यूशन पढ़ ली है दोनों और अभी हम जा रहे हैं घर के लिए। मजा आया ट्यूशन पढ़ने में। बायोलॉजी का हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे अपना चौथा चैप्टर जो कि है शायद रिप्रोडक्टिव हेल्थ करके, तो मेरे को चैप्टर का नाम नहीं याद आ रहा बट हाँ यही है। बाकी यार पैदल आने में ये दिक्कत होती है, 8 बजने जा रहा है, अब तक हम डीएम चौराहा पहुंचे, अब यहां हम ऑटो करेंगे फिर हम घर की ओर जाएंगे, और बाइक पे होते ना अब तक घर पहुंचने वाले होते हैं। चंदा जाके पीछे चुप डरात इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे ला, इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता छाप छोड़े चला, मुझे किस किस ने क्या क्या कहा। हम जस्ट घर पहुंचे और इसने हमें देख लिया, अभी पहचान नहीं पाया। हाँ अब पहचान लिया, अब पूरी पूछने लगी। हाँ भाई, हाँ भाई, देखो कितना ज्यादा खुश हो जाता है मेरे को देख के ये। क्या हाल चाल तुम्हारे? हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, टांग में दम नहीं है लेकिन प्यार बहुत करते हैं ये भी हमसे। तो फाइनली गाइस बैक होम और करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। खुश रहें, आबाद रहें, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगाएं और अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो, जो प्लान आपने बनाए हैं उनको थोड़ा सा एग्जीक्यूट करें। बाकी करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक करते हैं, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करते हैं। मिलेंगे आपसे जल्दी कल हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। तो बॉयज एंड गर्ल्स फाइनली हम गुनगुन को लेकर घर पहुंच चुके हैं, और जैसे घर पहुंचे हमें मतलब कि बताया गया है कि हम, अरे नाना कुर्सी का सीट लिए जा रहे हैं, बस तुम्हारे लिए कोई काम थोड़ी ना करेगा, सब छोड़ देगा। आइए इधर आइए, साड़ी साड़ी जा रहे हैं, हम लोग शूट कर लेंगे।